आरसीडीसी जिसका भी इंस्टॉल नहीं हो रहा है, सभी लोग ध्यान से इस स्टेप को फॉलो करेंगे अपने अपने लैपटॉप में। देखिए मेरे में शायद आरसीडीसी पहले इंस्टॉल हो चुका है बट वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आप स्टार्टिंग से आरसीडीसी को देख सकते हैं। तो देखिए अभी हम लोग आरसीडीसी को सपोज, ठीक है, अभी देखो एक लड़के ने पोर्टफोलियो बनाया था बीआईएम का, आप देखिए इसके पोर्टफोलियो कितना इसने मेहनत किया है, जिस दिख गया तो दिखा रहा हूँ आपको। इसके काम को देखिएगा आप लोग, ऐसे पोर्टफोलियो मतलब कुछ क्रिएटिविटी, ये हम आपको इंस्पिरेशन के लिए दिखा रहे हैं बस। आरसीडीसी को इंस्टॉल करना है, तो आरसीडीसी को इंस्टॉल करने से पहले मुझे चेक करना पड़ेगा मेरे पास है कि नहीं। आई थिंक मेरे पास सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर है, अनइंस्टॉल करने की जरूरत नहीं क्योंकि सॉफ्टवेयर। अगर किसी के लैपटॉप में बार बार ट्राई करने के बाद भी आरसीडीसी इंस्टॉल नहीं हुआ है तो एक काम करना, कंट्रोल पैनल खोलना। क्या करना, कंट्रोल पैनल खोलना। सभी लोग जिसके भी जिनने कई बार प्रयास कर डाला हो ही नहीं रहा है, ठीक है, तो वो लोग देखना कि क्या आरसीडीसी है क्या आपके लैपटॉप में। अगर आरसीडीसी है तो यहीं कहीं पर होगा, उसको अनइंस्टॉल कर देना। आरसीडीसी को अनइंस्टॉल तो कर ही लोगे, उसके साथ वहीं पर एक पोस्ट एसक्यूएल करके फाइल होगी। क्या होगी, पोस्ट एसक्यूएल। कई लोगों को नहीं पता होता है, बहुत डीपर नॉलेज है ये। पोस्ट एसक्यूएल को आप अनइंस्टॉल कर देना, पोस्ट एसक्यूएल को भी क्या कर देना, अनइंस्टॉल कर देना। ये उसके लिए है जिसने लाख प्रयास किया फिर भी उसका आरसीडीसी इंस्टॉल नहीं हो रहा है, तो उसके लिए पोस्ट एसक्यूएल को क्या करना है, यहाँ से राइट क्लिक करना और अनइंस्टॉल कर देना। पोस्ट अभी आपने पहले आरसीडीसी इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर दिया है, मैं मान के चल रहा हूँ। आरसीडीसी के बाद आपको पोस्ट एसक्यूएल को यस करना पड़ेगा, ये तुरंत अनइंस्टॉल हो जाएगा। ये बोल रहा है कि ओके, ठीक है, मेरे शायद कुछ फाइल चल रही हैं, शायद रेविट की चल रही हैं, इसकी वजह से कोई एक फाइल है जिसकी वजह से वो अनइंस्टॉल करने से मना कर रहा है। ट्राई करते हैं, आपके लैपटॉप में इजली हो जाएगा। मेरे लैपटॉप में शायद कुछ कंपोनेंट हैं इसके जो कि वेरीफाई दैट सफिशियंट एक्सेस टू की कॉन्टेंट योर सपोर्ट फर्स्ट, ठीक है, कोई बात नहीं, आपके में हो जाएगा। और होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर डाउनलोड्स में आपको मैंने सेटअप दे रखा होगा आरसीडीसी का, उस सेटअप पे राइट क्लिक करना, एक्सट्रैक्ट कर देना। एक्सट्रैक्ट करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, आरसीडीसी का सेटअप आ जाएगा। सभी लोग लगे तो अपने लैपटॉप में करते रहिए साथ ही साथ, और इस सेटअप में इस सेटअप को क्या करना, एक्सट्रैक्ट कर देना। आई थिंक इसका जो पासवर्ड है वो है AKASHPANDEYVLOT, आकाश पांडे ब्लॉगर के पासवर्ड है। सभी लोग देख लीजिए, इसके लैपटॉप में नहीं है वो लोग ये पासवर्ड डाल दीजिए, और ये डालने के बाद जस्ट ओके कर दीजिए। जैसे ओके करेंगे आपके पास आरसीडीसी का सेटअप आ जाएगा, और सेटअप आने के बाद देखो ये सेटअप खुल गया, और इस सेटअप को एक्सट्रैक्ट कर देना। आरसीडीसी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो बहुत परेशान करता है इंस्टॉलेशन के लिए, सबको पता है, ठीक है। इवन मैं बोलूँगा कि आपके स्ट्रक्चर्स की पूरी ट्रेनिंग में सबसे खतरनाक हेल्प तो मतलब काम इसी का है, क्रैक इंडस्ट्री में देखा जाए तो, मतलब होता ही जल्दी इंस्टॉल। अब सेटअप ओपन हो गया है, जैसे मैं एकदम कर रहा हूँ एकदम सेम टू सेम करोगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इस सेटअप को क्या करना, रन एस एडमिनिस्ट्रेटर कर देना। क्या कर देना, रन एस एडमिनिस्ट्रेटर किया, या मेरे में लग रहा है कि ये होगा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। आरसीडीसी वन क्लिक इंस्टॉलर ओके, क्योंकि वो भी नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है, रीसेंट एक्सेस सिस्टम सही में दिखा रहा है। जब मेरे में ही प्रॉब्लम हो जाएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा।
कौन है इसकी वजह से प्रॉब्लम दे रहा है, एरर क्रिएटिंग प्रोग्रेस रन विद हिडन आरसीडीसी और क्रिएट सॉल्वर स्ट्रीम, शायद मेरे में नेट ऑन होने की वजह से प्रॉब्लम दे रहा है, क्योंकि नहीं तो ये हो जाता है इसलिए। वो तो गया, ठीक है सेटअप ले लिया है अभी, ठीक है सेटअप ले लिया। देखो अभी मैंने छोड़ा नहीं उसको, नहीं हो रहा था फिर स्ट्राइक किया, फिर स्ट्राइक किया, अब मैं इंस्टॉल पर क्लिक करने जा रहा हूँ। अंत तक हमें प्रयास करना चाहिए, फिर यहाँ से नेक्स्ट करूँगा, ठीक है फिर नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पर चीज़ें पूछेगा, आप कुछ भरने की जरूरत नहीं है, उस नेक्स्ट कर दीजिए, आई एग्री कर दीजिएगा, नेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है सभी लोग होप सो कर रहे होंगे अपने लैपटॉप में, नेक्स्ट 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 और यहाँ से क्लोज कर दीजिएगा। ओके अब देखिए दोनों टिक हो गए क्लोज। अब इसके बाद जो मेन काम है वो अब स्टार्ट होता है। क्या मेन काम है, यहाँ पर आना है, यहाँ पर दो क्रैक फाइल होंगी, इन दोनों क्रैक फाइल को कॉपी कर लेना है। क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद देखो ये बताता है, क्योंकि आप सबका लैपटॉप जो है वो 64 बिट का है, सो सी में जाना है, प्रोग्राम फाइल 86 में जाना है, वहाँ पर स्टैंड आरसीडीसी होगा, उसमें पेस्ट कर देना है, बस इतना सा काम करना है। चलो सी में चलते हैं, प्रोग्राम फाइल 86 में चलते हैं, वहाँ पर उसने बोला है स्टैंड आरसीडीसी में, और यहाँ पर चल के इसको बस पेस्ट कर देना है। यहाँ पर ये फाइल पहले से रहती है इसलिए उसको रिप्लेस कर देंगे, हमें नई फाइल चाहिए, कंटिन्यू कर देंगे। ये देखो दोनों फाइल आ गई। अब क्या करना है, अब फिर से चलिए उस सेटअप पे, वहीं पर सेटअप में एक एक्स्ट्रा क्रैक मैंने आपको दिया हुआ है, आपने देखा ही होगा एक्स्ट्रा क्रैक, ये ऊपर वाला है, इस क्रैक में एक वेंडली का फोटो है, इस पर क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर हर बार करना है, अगर जो नहीं कर रहा होगा वो परेशान हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद वेट करना है, और यहाँ पर आपको चूज़ करना है स्टेट्रो VNI। कभी कभी तो बस आपने एक्टिवेट पर क्लिक किया होगा, हो गया होगा, और कभी कभी बहुत परेशान किया होगा। देखो मेरा अभी देखो मैं किया, ये देखो तुरंत बड़े आसानी से हो गया। ये कब होगा, जब आपके सारे स्टेप परफेक्ट होंगे, ये बिना कुछ सोचे समझे एक मिनट के अंदर ये ओके। कभी नहीं हुआ तो भी हो जाएगा, कैसे अभी चलो देखते हैं किसी के लैपटॉप में, ठीक है मेरा हो गया इंस्टॉल, ठीक है अब मैं चाहूँ तो आरसीडीसी को ओपन कर सकता हूँ। आरसीडीसी का सेटअप कुछ इस तरीके से खुलेगा, सबको पता ही है इसके आगे का स्टेप क्या है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करना है और उसके बाद अपने फाइल सारे सारे स्टेप्स में। अब देखो मेरे लैपटॉप में कुछ इश्यूज दिख रहा है मुझे कि कुछ तो प्रॉब्लम कर रहा है, शायद वो नेट ऑफ ऑन होने की वजह से ही कर रहे हो। यहाँ पर न्यू करूँगा, ये भी मेरा काम हो जाएगा। या कोई एक ऐसी हो गया, कोई एक फाइल मिसिंग है ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है बट ये इंस्टॉल हो चुका है भाई। चलो अब इसके बाद किसी के लैपटॉप में प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोग, ये देखो बता रहा है, ये रीड कर रहा है कि आप ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, इसकी वजह से वो प्रॉब्लम दे रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आप में से किसी एक के लैपटॉप का स्क्रीन शेयर करिए, कौन करना चाहेगा जो जिसके में नहीं हो रहा सर, है सर मेरा नहीं हुआ। ठीक है स्क्रीन शेयर करो अपना, अब इसके लैपटॉप को ध्यान से सभी लोग देखेंगे, ठीक है पहले इसके लैपटॉप को ध्यान से सभी लोग देखिए और अपने लैपटॉप में करते रहिए इसके लैपटॉप, ऐसे जरूरी नहीं कि सबका स्क्रीन शेयर हो ना, तो आप करते रहिए, किसी का हो जाए देख के तो बता देना, स्क्रीन शेयर करो सर। एनीडेक्स का आईडी भेजे आप? नहीं नहीं एनीडेक्स जरूरत नहीं है, ठीक है तुम सिंपल क्या करो, यहाँ पे देखो एरो बना हुआ है तीन पॉइंट का, उसके पहले एक एरो बना होगा प्रेजेंट नाउ, ठीक है प्रेजेंट नाउ पर क्लिक करोगे योर एंटायर स्क्रीन आ जाए, बस स्क्रीन पर शेयर करो। रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है सर, वेट डोंट वरी। दिखा क्या तुमको तीन पॉइंट करो सर, एक मिनट लैपटॉप से आ रहा है। अरे आल सर ठीक चलेगा। और अभी कौन लैपटॉप से है जिसका इंस्टॉल नहीं हो रहा है, कमेंट मैसेज करिए, कौन लैपटॉप से है जिसका इंस्टॉल नहीं हुआ है, फटाफट उसका स्क्रीन शेयर कर देते हैं। जब आप लैपटॉप से नहीं होगा तो मैं कैसे करूँगा, एनीडेक्स भी करोगे क्या मतलब निकलेगा, कोई नहीं है रेडी, ठीक है
और किसका इंस्टॉल नहीं हो रहा है एक बार कमेंट कर बता देना, क्योंकि अभी तो कई लोग बोल रहे थे सर मेरा नहीं हो रहा है, मेरा नहीं इंस्टॉल हो रहा है। कौशल सिंह तुम बहुत क्लास मिस कर रहे हो, ठीक है। और सत्यांशु अपने स्क्रीन शेयर करो, अब ये मत कह देना कि सर मैं भी मोबाइल से हूँ तो फिर मैं क्या करूँगा। स्क्रीन शेयर करो माइक ऑन करके, वो 3 पॉइंट एरो पर क्लिक करो और वहाँ से प्रेजेंट नाउ का ऑप्शन है। हेलो फुल स्क्रीन सर शेयर करने का ऑप्शन किधर है? देखो जहाँ पर रेड कलर है उससे पहले 3 पॉइंट है, उसके पहले प्रेजेंट नाउ हाँ सर ऑप्शन है। हाँ प्रेजेंट नाउ पे किया सर। योर इंटायर स्क्रीन, फिर उस पे क्या करूँ? योर इंटायर स्क्रीन किस पे आ रहा होगा प्रेजेंट नाउ में? योर इंटायर स्क्रीन मतलब आपकी पूरी स्क्रीन। हाँ सर हाँ यस सर उस पे क्लिक करो। अब देखो शेयर हो गया। हाँ ओके चलो हो गया है। अब आराम से तो अपना क्या बोलते हैं मिनिमाइज कर लो स्क्रीन को, ठीक है। हाँ अभी तुमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है क्या पहले से? यस सर इंस्टॉल आपने अभी जो जो प्रोसेस बताया वो कर लिया, कॉपी पेस्ट तक कर लिया सर जहाँ पे वो बताया था। ठीक है लास्ट स्टेप क्रैक वाला फिर खोलो, सेटअप पे जाओ, सेटअप पे जाओ डायरेक्ट मिनिमाइज करके स्क्रीन को। हाँ आप क्रैक को ओपन करो, ये क्रैक रखा ना ये है सामने सामने ये नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं, इसको बंद ये कर, नहीं नहीं ये बंद कर दो। वो देखो स्क्रीन पे तुमने क्रैक खोला हुआ है, सॉफ्टवेयर जहाँ पर रखा है वहाँ जाओ, ये बंद कर दो, इसका जरूरत नहीं है। नो नो अनइंस्टॉल मत करो, नो 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 नो। अरे क्यों अनइंस्टॉल कर दिया, वो तो ऑलरेडी तुम्हारे में है। चलो कोई बात नहीं, तो अब फिर से तुमको करना पड़ेगा। मैं सिर्फ यहाँ पर आने की बात कर रहा हूँ, जो स्क्रीन खुली हुई है देखो RCDC की। अरे इसको मिनिमाइज करो स्क्रीन को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेटअप कुछ, हाँ इस पर जो सबसे, हाँ इसके अंदर जाओ, इस सेटअप पे राइट क्लिक करो, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करो, चल देखो। हम लोग छोटी छोटी गलती करेंगे वो हमें बाद में बड़ा प्रॉब्लम दे देता है। नेक्स्ट नेक्स्ट आई एग्री, नेक्स्ट 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 होने दो, अभी जितना बोलूँगा उतना करना, बस क्लोज कर दो इसको, ठीक है इसको क्लोज कर दो। हाँ अब देखो क्रैक के अंदर जाओ, इन दोनों फाइल को कॉपी करो, ठीक है। अब मिनिमाइज करो स्क्रीन को, सी में जाओ, प्रोग्राम फाइल 86 में जाओ। देखो इतना सिंपल स्टेप है, प्रोग्राम फाइल 86 वो कर लिया सर, वो कर लिया मैं। तो तुमने अनइंस्टॉल कर दिया तो वो खराब हो गया ना, फिर से करना पड़ रहा है। यहाँ पेस्ट कर दो, अच्छा यहाँ पे तुमने क्रैक रख दिया, अच्छा ठीक है यहाँ पे स्टेट कनेक्ट करो। क्यों करो, नहीं करना है भाई, मैंने ये नहीं किया, कैंसिल करो। ओके नहीं किया मैं, मतलब वो उसको ओपन कर लो फिर से मेंटली वाले सिस्टम को, अभी जहाँ गए थे वहीं जाओ। वो तुमने उस पे ऊपर टिक कनेक्ट वर्जन पे क्लिक कर दिया था, तुम्हारा कनेक्ट वर्जन नहीं है ना, जहाँ सेटअप रखा है वहाँ फिर से जाओ। कोई बात नहीं परेशान मत हो, जहाँ सेटअप रखा है वहाँ जाओ, जहाँ सॉफ्टवेयर रखा था अभी जहाँ थे वहीं चलो फिर से। हाँ आराम से देखो जो जो बोल रहा हूँ वो करना है, राइट क्लिक रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ जल्दबाजी मत करो नहीं तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पर देखो जो तुम कनेक्ट वर्जन पर क्लिक कर दिया, हाँ स्टेट पर रुको रुको क्लिक मत करना, हाँ एक्टिवेट पर क्लिक करो। देखो सबको ऐसे करना है, अब देखो क्या आता है, ये प्रॉब्लम आएगा। हाँ कोई बात नहीं, अब फिर से जाओ सी में जाओ, सी में जाओ प्रोग्राम फाइल 86 में जाओ। यहाँ पे स्टेट RCDC का ऑप्शन होगा क्या? देखो यहाँ पे स्टेट RCDC बाहर ही है कि अंदर है? हाँ अंदर है सर। हाँ ठीक है, अब फिर से ओके करो, फिर से सेटअप को चलाओ, 2-3 बार चला देने पर ऑटोमेटिक रीड कर लेगा वो। फिर से सेम स्टेप फिर से करो जो अभी किए, 2-3 बार करोगे तो क्या करता है वो क्रैक को रीड कर लेता है, ठीक है। फिर से सेम करो स्टेट RNS एडमिनिस्ट्रेटर, जिसके में भी एक बार में नहीं हुआ 2-3 बार करेंगे अपने आप ही रीड कर लेगा वो स्टेट। हाँ ठीक, इस बार ध्यान देना थोड़ा सा, ओके करना, बता रहा हूँ क्या करना। सिर्फ स्टेट RCDC लिंक पे तुमने क्लिक कर दिया था ना, केवल स्टेट RCDC पर क्लिक करना और नीचे आओ। ओके सर, सी में जाओ, बोले सी में जाओ, सी में नहीं हो तुम ये डाउनलोड वगैरह हो ना, सी में जाओ, सी में
नहीं, गलत बात बोला, थोड़ा गलत। हाँ, दिस पीसी में जाओ, दिस पीसी में सी में, अब यहाँ पे सी जाओ, में ही है सर। हाँ सी में प्रोग्राम फाइल 86 में जाओ, प्रोग्राम फाइल 86, आरसीडीसी में उसके बाद सर ना। नहीं, सी में पहले जाओ, हाँ आरसी सी, प्रोग्राम फाइल 86 और नीचे जाओ, प्रोग्राम फाइल मत हाँ सर, खोलो, 86 में है। तुम प्रोग्राम फाइल खोल दे रहे हो, प्रोग्राम फाइल 86, इसमें देखो स्टेट आरसीडीसी है, हाँ ये है, बस हो गया, इसको ओके करो। ओके, सेम स्टेप फिर से कर दो, जो अभी किया ओके ना, कर लो। हाँ नहीं, फिर से यही करो, जो अभी अभी जस्ट क्रैक का स्टेप किया ना, यही स्टेप फिर से करो, जो अभी खोला था सेम जो काम किया वही काम स्क्रीन शेयर करके फिर से करो। ओके सर। नहीं समझे? नहीं कंटिन्यू करो, देखो अभी फिर से मिनिमाइज करो स्क्रीन को, क्रैक वाले सेटअप को फिर से चलाओ। ओके, क्रैक वाला सेटअप फिर से चलाना है। तो स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन मिनिमाइज करो, अभी तुम्हारी स्क्रीन तो ये वाली खुली है ना। अभी इसका हो चुका होगा बट फिर भी मैं कंफर्म क्रैक वाले एक बार सेटअप को सर फिर से रन करूं। हाँ, अभी तो तुम्हारा स्क्रीन मिनिमाइज नहीं किया क्या, कि दिख नहीं रहा है इंटरनेट की वजह से। एक बार तुम क्या करो, आरसीडीसी का सेटअप को चलाओ, देखो चल रहा है क्या, मतलब सॉफ्टवेयर देखो इंस्टॉल हो गया होगा स्क्रीन पे, देखो हाँ सर, एक बार चलाओ आरसी, ये ओके सर, एक बार चलाओ, आई थिंक हो गया होगा, जहाँ तक है। डेस्कटॉप पे जाओ, रन एस एडमिनिस्ट्रेटर, एक बार से कर लो रन, 3 बार कम से कम कर देना चाहिए, इसे रीड कर ही ले वो, ऐसा चांस रहे। अब देखो यहाँ पर जाओ, अभी हो गया सर, हो गया सर, ओके ठीक है, हो अब गया। प्रोग्राम फाइल 86 पे जाओ, अब ज़्यादा नहीं दिखा सर, सर प्रोग्राम का स्टार्ट हो गया सर, प्रोजेक्ट नेम, क्लाइंट नेम, आ इंजीनियर गया नेम, ना, कोड आ गया। अच्छा तुम्हारा नेट स्लो है, अच्छा इसलिए हम लोग को अभी दिख रहा है कि प्रोग्राम फाइल ही कर रहे हो गया ना स्टार्ट, देख लो कितना यस सर, इजी स्टेप है, समझ गए ना। यस अब देखो ये करेगा तो इसके स्क्रीन में पता कि अभी हो चुका है, इसका मतलब इंस्टॉल हो गया सॉफ्टवेयर, बस इतना सा करना होता है। ठीक है, अब इतना अगर आपने खुद से नहीं ट्राई किया तो गलत बात है, करना चाहिए। सर सर हम 5 बार ट्राई किए, नहीं हो रहा है अभी तक। ठीक है, स्क्रीन शेयर करो तुम गौरव, बंद कर दो तुम स्क्रीन अपना, सत्यांशु स्क्रीन बंद कर दो अपना, ओके सर, प्रेजेंटेशन बंद कर दो, स्टॉप प्रेजेंटिंग कर दो, स्टॉप प्रेजेंटिंग, हाँ ठीक है, सेम स्टेप को अभी देखो, अभी समझ आ गया इनका, हो गया मतलब हो ही जाएगा सबका। गौरव अपना स्क्रीन शेयर करो फटाफट, स्क्रीन मिनिमाइज करो अपना, ठीक है, करेक्ट ऊपर राइट क्लिक करो, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करो, और ऊपर वाला स्टेप कर लिए हो ना सारा, करो ऊपर का सारा स्टेप कर लिए हो ना, एक्टिवेट पर क्लिक कर दो। यस सर, उधर हो गया। ओके ठीक है, ठीक, अब यहाँ पर एक्टिवेट पर क्लिक करो। नो नो नो, करेंट वर्जन पे क्यों क्लिक कर रहे हो, एक्टिवेट सर, ये बार बार आ रहा है। हाँ करो, ओके करो ना, ओके करो, सी में जाओ, प्रोग्राम सी में प्रोग्राम फाइल 86, स्टेट आरसीडीसी खोजो, इसके अंदर होगा स्टेट आरसीडीसी, हाँ अब इस पर क्लिक करो, स्टेट आरसी ओके कर दो, हाँ ओके कर दो, ओके कोई बात नहीं, ओके करो, सेम फिर से रन कराओ, ओके करना स्टेट आरसी, हाँ ओके ओके, सी में प्रोग्राम फाइल 86, इस बार उसके अंदर लीव करके ऑप्शन है LIB, उसके ऊपर क्लिक करना, लीव के ऊपर ओके करना, ओके फिर से ओपन करो, जस्ट हम उसको रीड कराने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, कि पाथ उसका रीड कर लेंगे, जैसे रीड कर लेगा वैसे ले लेंगे, ओके करो, ओके करो, ओके ओके, हाँ अब इस बार उसके अंदर 3 ऑप्शन है, तीनों पर क्लिक करना, और फिर उसके बाद एक रीड, रीडमी और सैंपल फाइल्स, आप फिर से स्टेट आरसीडीसी पर क्लिक कर दो, हाँ ओके कर दो, ओके कर दो, ठीक अब जाओ स्टेट चलाओ, हो गया बस रन करो आरसीडीसी को, हो गया क्या, ऑन तो हो रहा है सर, ऑन तो हो नहीं रहा है, स्टार्ट हो गया, हो गया बस, गलत गलत अभ्यास से धर्मत को सुझान, ठीक है,
तो अब हो गया, अब रन करो ठीक है। और किसका नहीं हो रहा है? स्टॉप प्रेजेंटिंग कर दो अपने स्क्रीन, तेजस का नहीं हो रहा, तेजस स्क्रीन शेयर करो। देखो अभी सब लोग स्क्रीन शेयर, क्लास के बाद मत बोलना कि सर मेरा नहीं हुआ, क्योंकि मतलब क्या निकलेगा, आप भी बिजी हो जाओगे मैं भी बिजी हो जाऊंगा ठीक है। पीयूष अपना स्क्रीन फटाफट, अगर नहीं हो रहा है तो आ जाओ लैपटॉप से फटाफट, तेजस स्क्रीन शेयर करो अपना ठीक है। देखो कितना आसान स्टेप है, आराम से हो जाता है। तेजस अपना स्क्रीन शेयर करना, पीयूष तुम्हारा हुआ क्या? और किसका नहीं हो रहा था? जिसका भी नहीं हो रहा तो पहले से क्लियर कर लो कि आज हो जाना चाहिए, आज के बाद बार बार इसी हम लोग आरसीडीसी में फंसे रहेंगे तो सीखेंगे कब। हेलो तेजस, आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ सर, स्क्रीन शेयर ऑप्शन नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, वो जो रेड कलर का ऑप्शन है उसके ऊपर देखो, बगल में देखो थ्री पॉइंट होगा, थ्री पॉइंट के जस्ट पहले देखो एरो होगा, एरो करके बना होगा प्रेजेंट नाउ, दिख रहा है? उस एरो पर क्लिक करोगे तो एक टैब खुलेगा, योर इंटायर स्क्रीन लैपटॉप से ही हो ना? यस सर। हाँ अब देखो थ्री पॉइंट के पहले क्या है, एरो है एक? हाँ थ्री पॉइंट पे, थ्री पॉइंट के पहले, थ्री पॉइंट के पहले एक एरो बना होगा में ना सर, योर एंटर, योर एंटर स्क्रीन, उसके ऊपर क्लिक कर देना स्क्रीन के ऊपर, तब वहां पर दिखा देगा स्टार्ट। शेयर पे क्लिक ना हो, उसके ऊपर क्लिक करो पहले, वो जो विंडो खुली है उसके ऊपर क्लिक करोगे तब शेयर पे क्लिक होगा। और किसका नहीं हुआ कमेंट करके फटाफट बता दो, किसका नहीं हो पाया अभी। चलो मिनिमाइज करना स्क्रीन को, सेटअप पे जाओ। इंस्टॉल कर लिया है क्या? नहीं सर, आइए। तो स्क्रीन दिख रही है क्या सर? हाँ दिख रही है, दिख रही है। तो पहले से तुम क्लास में क्या कर रहे थे? चलो कोई बात नहीं, क्लिक करो सर। ये दो ही ऑप्शन आ रहे हैं मेरे, बाकी जो एडवांस स्टार्ट प्रो वो सब नहीं आ रहा, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। ठीक है, ये तुमने मेरा सेटअप डाउनलोड नहीं किया है सर? आपका ही, आपने जो लिंक दी थी वही। तो फिर से एक्सट्रैक्ट करो क्लिक करके, ये जो हमारा सेटअप है तो क्लिक करो, पासवर्ड पूछेगा तो मेरा होगा। मिनिमाइज करो स्क्रीन को, राइट क्लिक, नीचे नहीं एक्सट्रैक्ट ऑल, शो मोर ऑप्शन कर दो, शो मोर ऑप्शन, हाँ यहाँ से एक्सट्रैक्ट, हाँ क्लिक करो आरसीडी, हाँ हाँ ठीक है। यस टू ऑल, यस टू ऑल नहीं किया ना तो डिलीट कर दो सर, डिलीट कर दो कोई बात नहीं, फिलहाल वहाँ पे यस टू ऑल कर देते हो जाता। मेरे सेटअप में पासवर्ड है तो अभी अंदर दिखने के बाद पता चल जाएगा मेरा सेटअप है कि नहीं है सर। आप इसके अंदर जाओ, आरसीडीसी के अंदर जाओ, अब इसके अंदर जाओ, अब ये नीचे वाले क्लो, हाँ क्लिक करो नीचे वाले सेटअप को, राइट क्लिक, राइट क्लिक, राइट क्लिक, बंद करो इसको, बंद करो, राइट क्लिक, शो मोर ऑप्शन, एक्सट्रैक्ट जैसे वो लास्ट टाइम किए थे ऊपर, हाँ ये क्लिक करो, हाँ ये मेरा सेटअप है। पासवर्ड डालो उसमें, ए कैपिटल, ए के ए एस एस पी ए एन डी ई वाई बी एल ओ जी, सो पासवर्ड करके दिखा देना हमको, हाँ सही है, ओके कर दो, हो गया। अब वहाँ पर जाओ, वो जो पहला वाला ऑप्शन है सेटअप में जाओ, इसके अंदर, हाँ इसके अंदर जाओ, अब ये जो नीचे सेटअप है इस पर राइट क्लिक करो, क्लिक करके सेम शो मोर ऑप्शन, एक्सट्रैक्ट करो, एक्सट्रैक्ट, किसी का बचे ना इतना ध्यान देना सभी को। पहला वाले सेटअप पे जाओ, उसके सेटअप के अंदर जाओ, हाँ इसके अंदर जाओ ठीक है, और ये सेटअप के ऊपर क्लिक करो, नीचे से राइट क्लिक करके सेटअप पे राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ये स्क्रीन रिकॉर्ड भी हो रही है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इंस्टॉल पे क्लिक करो, एक्सेप्ट, देखो इनके लैपटॉप में एक फाइल नहीं थी तो इंटरनेट ऑन होने की वजह से वो फाइल रीड कर ले रहा है सॉफ्टवेयर खुद ही, वो डाउनलोड कर रहा है उस फाइल को। देखो पोस्ट एसक्यूएल दिख रहा है आप सबको,
ये फाइल इंडिया में नहीं थी, वो डाउनलोड करके उठा रहा है फाइल इंटरनेट से, और किसी का तो नहीं बचा। मैं बार बार पूछ रहा हूँ, कोई ये बाद में मत बोलना कि सर मेरा नहीं हो पाया। सर हमारा बचा है सर, तो करो ऐसे जो सेम स्टेप करो, लैपटॉप से लॉग इन आओ पहले फटाफट जल्दी से। आई एग्री। नेक्स्ट नेक्स्ट, लैपटॉप से लॉग इन आओ प्लीज फटाफट। सर नेक्स्ट क्लोज, लैपटॉप से आओ क्लोज। नहीं पता क्या लैपटॉप से कैसे आया, लैपटॉप से कैसे आया सर? नीचे क्लोज ऑप्शन, नहीं, नीचे क्लोज ऑप्शन है, नीचे क्लोज ऑप्शन इससे। हाँ पीयूष क्या बोल रहे हो, रुके रहो एक मिनट पीयूष। सर लैपटॉप से कैसे आए? लैपटॉप में पहले व्हाट्सएप का लिंक ओपन करो, ये जो लिंक दिया हुआ है, पहले लैपटॉप से व्हाट्सएप चला लेते हो क्या? जी जी जी। हाँ तो लैपटॉप में जब व्हाट्सएप चलाओगे तो ये लिंक मिल जाएगा, इस लिंक से क्लिक करके फटाफट क्लास के अंदर आओ। जी सर। ठीक है, और क्लास के अंदर आओगे तो फिर वहाँ पर स्क्रीन शेयर कर सकते हो, जल्दी आ जाओ फटाफट, नहीं तो टाइम चला जाएगा ना। चलो अब यहाँ पर नेक्स्ट जाओ, क्रैक पर जाओ तेजस, क्रैक के अंदर जाओ। ये दोनों ऑप्शन ऊपर के जो दोनों ऑप्शन है उसको कॉपी कर लो, दोनों ऊपर के ऑप्शन को कॉपी कर लो दोनों। सी में जाओ, प्रोग्राम फाइल 86 में जाओ, यहाँ पर स्टेट आरसीडीसी में जाओ, पेस्ट कर दो। देखो अब आप लोगों को याद हो गया होगा कितने बार मैंने करा दिया, रिप्लेस रिप्लेस रिप्लेस, फिर कंटिन्यू, फिर से कंटिन्यू। ठीक है, फिर जाओ सेटअप जहाँ रखा है वहाँ पर। हाँ इसके अंदर जाओ, इसके अंदर जाओ, ये नीचे जो क्रैक रखा है इसको राइट क्लिक करो, सेम सो मोर ऑप्शन स्टेट क्लिक करो। ठीक है, आप क्रैक के अंदर जाओ, इधर हो, हाँ इसके अंदर, इसके अंदर इस फिर से क्रैक के ऊपर, क्रैक के ऊपर राइट क्लिक करो, वही सो मोर ऑप्शन। उसको स्क्रीन खुला रहने दो, उसको कुछ मत करो। यहाँ नीचे देख रहे हो एक एरो बना हुआ है, जहाँ पर क्रोम का एरो है, क्रोम के जस्ट आगे देखो एक एरो बना हुआ है, टावर जहाँ दिखा रहा है उससे पहले माइक दिखा रहा है, हाँ इस पर क्लिक करो। यहाँ पर देखो तुम्हारा एंटीवायरस दिख रहा है सबसे ऊपर वाला वाला, राइट क्लिक करो उस पर, राइट क्लिक। यहाँ पर देखो तुम्हें दिखा रहा होगा चेन सेटिंग, हाँ यहाँ पर जाओ रियल टाइम स्कैनिंग, क्या बोलते हैं ये चल रहा है कि खत्म हो गया है? खत्म हो गया है सर। ठीक है, क्लोज करो इसको ये वाला। हाँ अब यहाँ पर तुम क्या बोलते हैं सब तो बंद, तो खत्म हो गया है ना। अब इसको एक मिनट बंद करो, ये टैब ही बंद करो, कंट्रोल पैनल खोलो। पीयूष लैपटॉप से लॉगिन आ गया क्या? जी सर। ठीक है, अब अभी रुके रहो सब तक, तो जो सेटअप ये कर रहे हैं करने ट्राई करो, नहीं तो अभी रुके रहो मैं करा देता हूँ। सर अनइंस्टॉल टू प्रोग्राम, अनइंस्टॉल प्रोग्राम करो, नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, कट करो, यहाँ देखो लिखा है अनइंस्टॉल प्रोग्राम, ऊपर लिखा है ना अनइंस्टॉल प्रोग्राम। हाँ अब इसके अंदर सर्च करो, ये एम कैफे दिख रहा है सामने, ये नीचे दिख रहा है एम कैफे लाइफ सेफ रेड कलर का, राइट क्लिक अनइंस्टॉल। ये क्या कर रहा था तुम्हारे लैपटॉप में जो क्रैक वाली फाइल थी उसको अनइंस्टॉल नहीं होने देता है। ठीक है, यहाँ देखो लिखा है पूरे दोनों क्लिक कर दो, रिमूव ऑल, ये रिमूव ऑल रिमूव। अभी जिससे जाएगा वो तुरंत उसको हटा देगा और फिर क्रैक वाली फाइल ऑटोमेटिक खुल जाएगी। अभी याद हो गया ना स्टेप? अब ये आपको खुद से करना जरूरी क्यों है? कल को आपका काम खत्म हो गया और फिर आपको फिर से कभी करने की जरूरत पड़ा, सिस्टम फॉर्मेट किया तो किसको याद करोगे? खुद को याद करो ना, खुद को कॉन्फिडेंट बनाओ, है ना। इसलिए मैं आपसे करा रहा हूँ कि आपको सीखना है। और यही प्रॉब्लम हो रहा था, मैं तीन चार बार ट्राई भी किया। ठीक है, ये नहीं बना एंड्रॉइड इसका। चलो अभी देखो जैसे ये हट जाएगा उसके बाद तुरंत क्रैक करोगे, 100% चांस है हो जाएगा, इनकेस नहीं हुआ तो रिस्टार्ट करने पर हो जाएगा। मान लो इसका कुछ असर रह गया तो रिस्टार्ट करने पर 100% हो जाएगा। तब तक मैं इसका कराता रहता हूँ, इसको होने दो। ठीक है पीयूष, अपना स्क्रीन शेयर करना। सर मैं स्टॉप,
इसको चलने दो, इसको चलने दो आराम से, इसको चलने दो तेजस, ये कंप्लीट हो जाए तो मैं तुम्हारे स्क्रीन फिर से शेयर करूंगा, ठीक है? चले अभी अभी कर दो स्टॉप प्रेजेंटिंग कर दो तुम। अब देखो पीयूष क्या करो, वहां पर देखो तीन एरो दिख रहा है नीचे स्क्रीन पर, रेड कलर का बटन, तीन एरो, उससे पहले एक एक दिखा रहा होगा प्रेजेंट नाउ करके ऑप्शन, दिख रहा है? जी सर। उस पर क्लिक करो। जी। अब वहां पर दिखा रहा होगा योर इंटायर स्क्रीन, उस स्क्रीन के ऊपर क्लिक करो और फिर शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा। फिर ये नहीं दिख रहा है। तीन एरो पर क्लिक किया प्रेजेंट नाउ वाले पे? जी, वो व्हाइट बोर्ड चेंज लेआउट फुल स्क्रीन। नहीं नहीं गलत वाले पे क्लिक कर दियो, रेड कलर का बटन है, तीन पॉइंट है, उससे पहले एक एरो बना हुआ है, एरो जिसके ऊपर लिखा है प्रेजेंट नाउ। तीन ऑप्शन बताओ क्या लिखे हैं तीनों ऑप्शन? एक्टिविटीज, हाँ, सेटिंग एंड मोर, मोर, और उससे सेटिंग से जस्ट पहले ही देखो एक एरो बना होगा प्रेजेंट नाउ करके। प्रोफाइल टू ऊपर सर, नीचे 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 रेड कलर का बटन दिख रहा है, रेड कलर का लीप कॉलर, रेड कलर काटने के लिए दिख रहा है। हाँ, उससे पहले क्या है? उससे पहले स्टेट वर्टिकल पॉइंट है तीन। ओके, उसके पहले, हाँ उसके पहले क्या है? उसके पहले प्रेजेंट नाउ, प्रेजेंट नाउ, वही तो बोल रहा हूँ, उस पर क्लिक करो। जी, योर इंटायर स्क्रीन, योर इंटायर स्क्रीन, जी सर, और उस पर क्लिक करके अब देखो स्क्रीन के ऊपर क्लिक करो, जो स्क्रीन आ रही है उसके ऊपर क्लिक करके करो। बाकी लोग, हाँ बाकी लोग का मन करे तो आप जा सकते हो, सीखना है तो सीख सकते हो, और क्या बोलते हैं कल अपना स्टैट का टेस्ट रहेगा, उसके बाद ही हम लोग असाइनमेंट्स भी चेक करेंगे कल टेस्ट के तुरंत बाद। सर एरर आज चेक नहीं होगा? एरर शायद नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि सबका हो पाएगा, 10:30 तक हो गया तो डेफिनेटली करेंगे, 10:30 तक मुझे लग नहीं रहा हो पाएगा, इधर नहीं हो पाएगा ना सर। हाँ, क्योंकि अभी जैसे इसी फील्ड हम लोग कर रहे हैं, टाइम लग सकता है ना, ठीक है सर, फिर लीग ही करना। हाँ कर सकते हो, ठीक है, तो स्क्रीन मिनिमाइज करो फटाफट पीयूष। सर फिर भी एक डाउट था, जैसे ना मेरा बीम फेल हो रहा था और फिर वो लेस देन 0 mm बता रहा था, तो फिर कुछ होगा सर? थोड़ा सा रुक जाओ, फिर रुक जाओ मैं बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, इसको करा दो, क्योंकि देखो अगर ये नहीं होगा ना, जो लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो अपना लॉस होगा उसमें। हाँ, अब जो सेटअप जहाँ पर रखा है फटाफट जाओ वहाँ, जहाँ सेटअप डाउनलोड करके रखे हो, ये है सर। हाँ, इसके अंदर जाओ, ये मेरा वाला सेटअप है ना पक्का? जी सर। लग नहीं रहा है सर, जो हमारे बैच में सर शुभम नहीं है सर, हाँ वो भी हमारे सर एनी डिस्क में आया था, वो भी डाउनलोड किया था सर, ही आएंगे तो वो ही कर पाएंगे। ठीक है, इसका फुल स्क्रीन करो इसको, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे फाइल में ही कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। इसके ऊपर जो ये नीचे सेटअप है क्रैक के नीचे वाला, उसके ऊपर राइट क्लिक करो, ये वाला सर। हाँ, इसके ऊपर राइट क्लिक करो। जी, राइट क्लिक, ओपन करो, सेटअप जो मैंने लिंक दिया था उसी से किया था। जी सर, इसमें सर जो उसमें ऑप्शन आ रहा है स्टैंड में, स्टैंड प्रो का, इसमें ऑप्शन ही नहीं आ रहा है सर। कट करो इसको, ठीक है, अब इस पर राइट क्लिक फिर से करो, क्लिक करके राइट क्लिक करना, क्लिक करके राइट क्लिक, क्लिक करके राइट क्लिक किया। हाँ, प्रॉपर्टीज पे जाओ, प्रॉपर्टीज पे जाओ, ठीक है, ये तो वीएलसी फॉर्मेट पूरा का पूरा सेटअप आ रहा है। सेटअप का लिंक कहाँ पर है? लिंक तुम्हारे पास है क्या सेटअप का? लिंक जो मैंने दिया है सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए नहीं है सर। देखो ये वो तो व्हाट्सएप से सर, व्हाट्सएप से था सर। चैट बॉक्स में अपने ओपन करो, चैट बॉक्स में अपने स्क्रीन में चैट बॉक्स ओपन करो। अब ये जो हम लोग का अभी खुला है टैब, उसको खोलो। हाँ, यहाँ पर चैट बॉक्स खोलो, ये चैट बॉक्स, ये देखो नीचे चैट बॉक्स दिख रहा है, 9 लोग हैं इसके बगल में, नीचे नीचे नीचे। हाँ, हाँ, इसके बगल में देखो चैट करके ऑप्शन है। जी हाँ, इस पर क्लिक करो। हाँ, अब यहाँ पर डाउनलोड नाउ का ऑप्शन देखो कॉर्नर पे दिख रहा हो, कॉर्नर पे देखो डाउनलोड पर का ऑप्शन है, डाउनलोड पर क्लिक कर, हाँ स्किप कर दो। हाँ, अब इस डाउनलोड एनीवे कर दो, ठीक है। अब आप क्या करो, वहाँ पर प्लस करके ऊपर दिख रहा है, प्लस करके वहाँ पर नया टैब खोलो। नहीं, ऊपर देखो लिखा है गूगल ड्राइव वायरस, उसके आगे प्लस करके ऑप्शन है, नया टैब खोलो। ये सर। हाँ, इस पर क्लिक करो, यहाँ पे लिखो विनरार 64 बिट।
देखो विनरार 64 बिट, तुम्हारे पास गूगल क्रोम नहीं है क्या? ये कहाँ लिख जा रहा है सर? नीचे गॉट इट करो, गॉट इट करो, ठीक है। और फिर से प्लस पे क्लिक करो और वहाँ लिखो गूगल, गूगल पहले लिखो गूगल, गूगल वहाँ पे नहीं लिखा जा रहा है सर, यहाँ पे लिख जा रहा है। हाँ लिखो, यहीं लिखो, यहीं लिखो, यहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं। GOOGL, ठीक है। सत्यांशु अभी करा देता हूँ तुरंत यहाँ, ठीक है। गूगल हाँ इंटर करो, इंटर करो, हाँ एच गूगल पे क्लिक करो, ये जो नीचे गूगल आ रहा है इस पर क्लिक करो, यहाँ पे लिखो विनरार 64 बिट, WINRAR, तेजस तुम ट्राई करते रहना। अब यहाँ पर हाँ इस पर क्लिक करो विनरार लेटेस्ट डाउनलोड, तो ये तो हमारे में डाउनलोड है शायद, तुम करो जो बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 64 बिट, ये देखो लिखा है विनरार इंग्लिश 64 बिट, 34 नहीं 64 वाला पे क्लिक करो जी, ऊपर नहीं नहीं उसके ऊपर, ये जहाँ ब्लू कलर का जो लिखा है इसके ऊपर। सर मैंने ट्राई किया फिर से वही वन ये अगर सही से करेगा तो शायद नहीं हो, देखते हैं। हाँ इस पर क्लिक करो जी, ट्राई किया था क्या? हाँ सर वही और फिर से प्रॉब्लम है, रिस्टार्ट भी किया सिस्टम। ओके देखते हैं, ओपन फाइल पे क्लिक करो, जो ओपन फाइल दिख रहा है ये विनार का सर। हाँ 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 ये ओपन करो, अब जो सेटअप आया है सेटअप पे इंस्टॉल करो, इंस्टॉल अब जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे करना है। अभी रुको 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 रुको, टॉगल ऑल करो, टॉगल ऑल टॉगल लिखा ना, ये ऊपर देखो लिखा है टॉगल ऑल जी, हाँ इस पर क्लिक करो, अब ओके करो, हाँ डन। अब जाओ, अब जाओ डाउनलोड्स में जाओ, इसको कैंसिल कर दें सर। हाँ ये देखो बगल में डाउनलोड है ना, इस चले जाओ, हाँ हाँ इस पर ये RCDC का यही सेटअप है जो अभी डाउनलोड किया है जी सर, ये RCDC 2। फुल स्क्रीन करो, ये इतना बड़ा क्यों यार, चलो ठीक है इसके अंदर क्लिक करो, इसके अंदर जाओ। अरे बाप रे कुछ अजीब ही हो रहा है, ठीक है। चैट बॉक्स फिर से ओपन करो, एक मिनट एक बार फिर वहीं जाना, वही विंडो पे देखो अभी कितने नई प्रॉब्लम है, जिसको इंटरेस्ट है वही इसको झेल सकता है, इसलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, ठीक है। अब इसमें देखो कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या होगा, क्लिक करके राइट क्लिक करो, नहीं हो रहा है, ओके ठीक है, बाहर आओ, फिर से बाहर आओ जहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है। डाउनलोड्स किसकी सारी फाइलें जो है वो कन्वर्ट हो जा रही है इसमें, ठीक है। अब बिंदा हो गया RCDC लाइट सब तो सही है, बस सिम क्यों ऐसा दिक्कत आ रहा है, ठीक है। चैट बॉक्स फिर से खोलो, ये मैं पहली बार ऐसा प्रॉब्लम देख रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए दिस इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। अब वहाँ जाओ चैट बॉक्स, जस्ट चैट बॉक्स खोलो, जो गूगल मीट वाला खोलो, हाँ यहाँ जाओ, ये देखो पहला वाला ऑप्शन, पहला मीट लिखा ना, मीट मीट उसमें जाओ, हाँ हाँ इसमें जाओ। अब चैट बॉक्स पे फिर से क्लिक करो इस लिंक के ऊपर, ये जो लिंक दिख रहा है ना ड्राइव वाला, अरे जिससे भी डाउनलोड किए थे सॉफ्टवेयर जी सर, हाँ इस पर क्लिक करो, ये डाउनलोड फिर आ गया, हाँ फिर से डाउनलोड करो एनीवे, हाँ एनीवे फिर से वही प्रॉब्लम ले रहा है ये सर, ये फिर से उसी तरह आएगा, इस तरह हम सर 4-5 बार डाउनलोड किए थे इसको। अच्छा जी सर, इसीलिए फिर हम लेक्चर नहीं देखे सर। RCDC इसका ऐसे आ रहा है, मतलब इसका जिप कर रहा है तो अनजिप नहीं हो रही फाइल, मतलब विंडार से नहीं हो रहा है, लेकिन और कुछ ऑप्शन भी नहीं आ रहा है क्लिक करने पर, वो कुछ ऑप्शन। ये तुम्हारा मैकबुक तो नहीं है क्या, है लैपटॉप वही विंडोज ही है ना जी सर, भी HP का विंडोज है सर। ओके एक और ट्राई मारते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। वहाँ पर ये अच्छा ओपन फाइल को, ओपन फाइल हाँ ओपन फाइल करना आराम से, बस इसके अंदर जाना,
अच्छा क्लिक करो तो सॉफ्टवेयर, अच्छा क्रैक के अंदर जाओ, तो क्रैक के अंदर तो उसके अंदर कुछ भी नहीं है, विंडो कैन नॉट कंप्लीट। ओके ओके देखो ये क्या है, विंडोज कैन नॉट कंप्लीट द एक्सट्रैक्शन, द डेस्टिनेशन फाइल कुड नॉट बी क्रिएटेड। ओके ओके करो, फिर से स्टेट जो एडवांस दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ पर दिख रहा रार फाइल वीएलसी, ओके रार अदर फाइल, ओपन का ऑप्शन कुछ नहीं दिख रहा है। ओके ओपन के साइड इसमें ये लिख के आ रहा है डबल क्लिक करने पे, ओके 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 करना, ओके करना, फिर से क्लिक करके उस पर राइट क्लिक करना, नहीं नहीं क्लिक करके राइट क्लिक करना, चलाओ मत, अच्छा ठीक है एक बार ओपन करना, तो अभी जो आया था इसको ओपन करना, तो देखते हैं क्या होता है। ओपन अच्छा ऐसे आ रहा है, और उसके बाद अभी अभी जो स्क्रीन आया था वो उसको देखना पड़ेगा क्या दिखा रहा है उसमें। अच्छा एक मिनट रुको, बी एल सी दिखा रहा है रार फाइल को, ओके करो ओपन सर, हाँ ओपन ओपन ठीक है, तो बी एल सी ले रहा है इसको, ठीक है फिर से कट करो, तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जाओ, रुको यहाँ पर डॉट आर एच ई है, ठीक है मॉडिफाई हो गया, डेटेड हो गया, आर्ची रूट डायरेक्टरी है, ओके डॉट पी एल सी दिखा रहा है, तो तुम्हें किसी को दिखाना पड़ेगा या सिस्टम को फॉर्मेट करना पड़ेगा ऐसा मुझे लग रहा है। ओके करो, एक लास्ट ऑप्शन ट्राई करेंगे, गूगल पे जाओ फिर से, गूगल खोलो जैसे भी गूगल खोले थे जी, उस तो इसके सिस्टम में पहले से कुछ ने प्रॉब्लम किया है मुझे लगता है, ठीक है वहाँ पर प्लस पे क्लिक करो, और वहाँ लिखो सेव, गूगल पे क्लिक करके आप लिखो 7zip, 7zip, zip इंटर कर दो, 7zip ये भी डाउनलोड है शायद, अच्छा ये भी करके देख लिया जी, तुम क्या बताए इसमें तो लास्ट ऑप्शन हो गया, चलो ठीक है फिर डाउनलोड करके देख लेते हैं एक बार, संतोष हो जाएगा। हाँ इसमें क्लिक करें सर, हाँ इस पर क्लिक करो, इसमें हाँ इस पर क्लिक करो, क्योंकि यही दो ऑप्शन है जिससे फाइल खुलनी चाहिए आपकी, ठीक है ओपन कर दो, क्या हो सकता है इसके, किसी को लग रहा है कुछ और ऑप्शन लग रहा है, रिजल्ट कुछ और हो सकता है, इंस्टॉल पर क्लिक करो, किसी को लग रहा है ऐसा प्रॉब्लम क्यों आया हुआ, क्लोज करो, ठीक है अब फिर से जाओ सेटअप पे, जहाँ पे सेटअप रखा है वो डाउनलोड जो के रखी हो, एक ये तो स्क्रीन ही बंद कर दिया, लेफ्ट कर दिया ठीक है चलो कोई बात नहीं, ठीक है बड़ा लंबा प्रॉब्लम लग रहा मुझे इसमें, ठीक है बाकी अभी कौन कौन बचा हुआ है, 87 बचे हुए, ठीक है चलो फिर से आ गया पीयूष, फिर से स्क्रीन शेयर करो फटाफट, ठीक है तेजस तुम्हारा हो गया क्या, हो ही गया होगा जहाँ तक है, स्क्रीन शेयर करना, हाँ अब जाओ, अब ये किसका स्क्रीन खुल गया, तेजस को खुला है क्या, ठीक है ये लो इसने पहले ही खोल दिया अपने स्क्रीन, सर हमारा आ गया सर, हाँ हाँ ठीक है मिनिमाइज करो देख लेते हो, वैसे होने वाला नहीं लग रहा मुझे तुम्हारा, ठीक है मिनिमाइज करो, जाओ फिर से वहाँ पर, ये लैपटॉप का पूरा फाइल का एक्सेस तुम्हारे पास ही है ना, मतलब दो फोल्डर तो नहीं है जब ऑन करते हो तो, नहीं सर दो फोल्डर नहीं सर, बस ऑन करते हो लैपटॉप तुम्हारा फाइल खुल जाता सर है ना जी, ठीक है ये स्टार्टअप वाले सेटअप पे क्लिक करना, तो स्टार्टअप वाला जो सेटअप है नीचे तो उसमें देखिए उसमें सिर्फ ऐसे ही दिक्कत था, ये वाला नहीं नहीं स्टार्टअप का नीचे सेटअप है ना, हाँ इसके अंदर जाओ, इसके अंदर जाओ, ये जो VATI है नीचे लिखा हुआ है, हाँ यहाँ पर तो आ रहा सेटअप, इसके अंदर जाओ, ये जो नीचे का सेटअप है इसके अंदर जाओ, सब आ रहा है, मतलब केवल प्रॉब्लम इसी में हो रहा है, ठीक है और क्या हो सकता है इसमें, एप्लीकेशन के रूप में कन्वर्ट किया, ठीक है फिर से डाउनलोड्स में जाओ, अब RCDC के अंदर जाओ, RCDC इसके ऊपर क्लिक करो, तो राइट क्लिक क्यों नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है अंदर जाओ इसके, फिर से अंदर जाओ, वही ऑप्शन है, एक मिनट पासवर्ड नो,
ठीक है, आरसीडीसी की जो फाइल है ये फरार फाइल हो गया बीएलसी में। ओके, फिर से क्लिक करके राइट क्लिक करो, नीचे वाले को सर। हाँ हाँ नीचे वाले को राइट क्लिक करो, एक मिनट, ओपन आ रहा है, कॉपी आ रहा है, प्रॉपर्टी डिलीट। ओके, प्रॉपर्टी पे क्लिक करो, क्योंकि जो कुछ होगा प्रॉपर्टी से होगा, बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो समझ नहीं आ रहा तुम्हारे वजह से क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ऊपर जो लिखा हुआ है आरसीडीसी www, वहां पर केवल आरसीडीसी छोड़ दो और .rar छोड़ दो, बाकी www. हटा दो। तो क्लिक करो उसके ऊपर, क्लिक करो पहले से, क्लिक करो ऐसे कहीं पे। हाँ, अब ये www. हटा दो, केवल .rar रखो, .rar रखो बस, और आरसीडीसी रखो। www हटा दो, डिलीट कर दो, चलिए बैक स्पेस भी नहीं हो रहा है। ओ भाई साहब, प्रॉपर्टी टाइप भी नहीं चेंज हो रहा है। ओके, फाइल फॉर्मेट इसका है। अच्छा, गूगल गूगल पे सर्च कर दो, एक बार गूगल पे करना। तो इसको बंद कर दो, गूगल पे फिर से जाओ। तो गूगल सर्च करना, जी सर। यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर क्लिक करके लिखो VLC to RAR फाइल फॉर्मेट कन्वर्टिंग। लिखो VLC to RAR, RAR फाइल ना, RAR कन्वर्टर। वो देखो ऊपर क्या है, इस पर क्लिक करो, इस पर क्लिक करो, ठीक है, अटैच फाइल पर क्लिक करो, सेलेक्ट फाइल, सेलेक्ट फाइल। अब वो फाइल सी में जाओ, वही डाउनलोड्स में, इसके अंदर जाओ, इसके अंदर जाओ। ले लिया क्या फाइल? ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर कन्वर्ट टू पे क्लिक करो, कन्वर्ट टू का आगे एरो जो है उस पर क्लिक करो। हाँ, अब यहाँ पर जीप करके दिख रहा है .rar, RAR पर कर दो। हाँ, कन्वर्ट करो जी, RAR कर दी। ये देखो कन्वर्ट का ऑप्शन दिख रहा है बगल, कन्वर्ट। अगर ये हो गया तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है वो के लिए। और क्या बोलते हैं सत्यांशु, तुम भी अपना स्क्रीन ऑन रखना, और क्रैक का जो सेटअप है वो डेस्कटॉप पे रखना, करवा दूंगा तुम्हारे भी ऑटो कैड का सेटअप। सर ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे लैपटॉप में आई है सर? सिर्फ तुम्हारे लैपटॉप में आ रही है जी। कुछ गड़बड़ किए होगे लैपटॉप में, कुछ सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम तुमने किया है जी सर। सत्यांशु, जो जो आपने हमारे उसमें डिविट डाउनलोड किया था सर, हाँ, वो भी अपने आप हट गया सर। ओके, कुछ है तुम्हारे लैपटॉप में पंगा है? भूत तो नहीं है? भूत नहीं। ओके चलो, हो जाएगा, टेंशन नहीं है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ क्या होता है, जब हमें लैपटॉप के बारे में थोड़ा कम नॉलेज रहता है ना, तो कुछ गड़बड़ हमसे हो जाती है, हमसे इन द सेंस हम सब से। ओके, ये जैसे कन्वर्ट होगा, अगर ये रार फाइल फॉर्मेट में आ गया तब तो तुम्हारा सेटअप काम हो जाएगा। आप देखते आता है कि नहीं आता है। नेट मोबाइल से कनेक्ट किया क्या? नहीं सर, उससे है, वाईफाई से। वाईफाई से जल्दी हो, ठीक है। सत्यांशु, तब तक अपना स्क्रीन शेयर करो, इसका होने दो, चलने दो। स्क्रीन शेयर करो, तुम्हारा करवा देते हैं फटाफट। तेजस हो गया क्या तुम्हारा डन? तेजस सर नहीं, स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो फटाफट, इसको चलने दो तब तक। सत्य, हाँ, कुछ करना मत, इसको चलने दो पीयूष, कुछ करना मत तुम, ठीक है जी। तेजस अपना स्क्रीन शेयर कर लो तब तक, चलेगा। मिनिमाइज कर, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। वो इंस्टॉल तो हो गया ना पूरा? हाँ सर, पहला वाला इंस्टॉल हुआ है, दूसरा क्रैक पे। हाँ, क्रैक को खोलो, ये वाले। हाँ, ऊपर खुला हुआ है, सबसे ऊपर खुला हुआ है, वही फाइल है। हाँ, इस इसके अंदर क्लिक करो, क्लिक राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, वही सो मोर ऑप्शन कर दो, सो मोर ऑप्शन, एक्सट्रेट, ठीक है। अब ऊपर वाले पे जाओ, इसके अंदर जाओ, ये क्रैक जो ऑप्शन है, क्रैक, उसके अंदर जाओ। ये वाला क्रैक नहीं आ रहा, चलो ऐसे थोड़ा बैक आ जाओ, थोड़ा बैक आ जाओ, बहुत अंदर आ गए हम लोग तो। और बैक आ जाओ, और बैक आ जाओ,
और बैक आ जाओ, हाँ फिर से जाओ इसके अंदर, आरसीडीसी के अंदर जाओ, फिर से जाओ इसके अंदर, ये जो ये तीसरे नंबर का क्रैक है उसको राइट क्लिक करो। वही किया था सर मैंने वो। अच्छा वही है, हाँ। तो ये सेकंड वाले नंबर पे सेटअप पे क्लिक करो, फिर उसको जाने दो इधर। हाँ इसके अंदर जाओ, इसके अंदर जाओ, इसके अंदर जाओ, इसके अंदर जाओ। ये अरे यार सब तो क्रैक तुम्हारे उड़ गए हैं, फिर से बैक आओ, क्रैक तो दिखी नहीं रहे तुम्हारे, तो बस एक ही ऑप्शन वो हो गया ना, वो अनइंस्टॉल हो गया ना क्रैक के ऊपर, फिर से क्लिक करो जो तीसरे नंबर के क्रैक है उसको, फिर से जिप करो, क्लिक करो सर राइट क्लिक, राइट क्लिक, वही क्लिक करके राइट क्लिक, सो मोर ऑप्शन एक्सटेंड, वो तुम्हारा हट गया ना वो जो वायरस था, यस टू ऑल, यस टू ऑल, यस टू ऑल, यस टू ऑल। अब फिर जाओ क्रैक ऊपर, अब ये सेकंड, हाँ सेकंड क्रैक ऊपर राइट क्लिक, सो मोर ऑप्शन, ठीक है नो वर्चुअल प्रमोट ऑपरेशन, ओके कोई बात नहीं, ओके करो, ऐसे खुला रहने दो इसको, बस ये उसको कट कर दो ऊपर से, फटाफट गूगल क्रोम खोलो, इसको क्लोज कर, इसको क्लोज कर दो, एक एक मिनट पीयूष, एक मिनट जस्ट, हाँ अब गूगल क्रोम खोलो, यहाँ पर लिखो 7zip डाउनलोड, हाँ बोलो पीयूष, 7zip ZIP, देखो आ गया नीचे ZIP जेड, यस आप भी उस बोल रहे थे कुछ बोलो सर, हमारा उसमें डाउनलोड का ऑप्शन आने लगा सर, डाउनलोड कर लो, डाउनलोड कर लो, देखो क्या हुआ सबके तरफ फाइल आने लगी क्या डाउनलोड करने के बाद, हाँ डाउनलोड पर क्लिक करो तुम भी, जी सर डाउनलोड होने लगा, हाँ इसमें 64 बिट वाला पहला वाला ऊपर देखो सबसे ऊपर वाला, इस पर क्लिक करो, यस ये डाउनलोड हो रहा है, इस सेटअप करते जस्ट चला दो, डबल क्लिक कर दो, जो नीचे आया ना डाउनलोड डबल क्लिक कर दो, हाँ यस इंस्टॉल कर दो, ओके क्लोज कर दो, ओके अब जाओ वहाँ पर स्क्रीन पे, इसको मिनिमाइज करके स्क्रीन पे जाओ जहाँ क्रैक रखा हुआ है तुम्हारा, ठीक है अभी जहाँ जहाँ हम लोग क्रैक कर रहे थे जो फाइल को वहीं जाओ उसके अंदर, हाँ इसके नहीं ऊपर वाली फाइल को क्रैक कर रहे थे ना अभी, वो गायब, वो ही सो रहा हूँ, गायब हो रहा हूँ, अच्छा ठीक है फिर बैक आउट, क्रैक के ऊपर राइट क्लिक करो, अभी रुको अब क्या क्या करना बताता हूँ, राइट क्लिक शो मोर ऑप्शन, अब रुको मैं बता रहा हूँ क्या करना, रुको 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 शो नहीं करना है, 7zip देख रहे हो 7zip, हाँ अब यहाँ पर देखो एक्सट्रैक्ट टू क्रैक, नीचे देखो नीचे आ रहा है एक्सट्रैक्ट टू क्रैक टू, हाँ इस पर क्लिक करो, ठीक है यस टू ऑल, ठीक है अब जाओ सबसे ऊपर, अब क्रैक के ऊपर राइट क्लिक शो मोर ऑप्शन, सेम 7zip पे जाओ और यहाँ से एक्सट्रैक्ट टू, हाँ इस पर क्लिक कर दो, बिकॉज ऑफ फाइल कंटेंट पोटेंशियल अनवांटेड सॉफ्ट, ओके पोटेंशियल अनवांटेड सॉफ्टवेयर, क्लोज करो, एक मिनट कुछ तो गड़बड़ है भी तुम्हारे लैपटॉप में, कोई वायरस है जो तुम्हारे लैपटॉप में ये चलने नहीं दे रहा है, देखो उड़ा दिया ना, यहाँ पर नीचे सर्च बॉक्स में लिखो विंडोज डिफेंडर, नीचे देखो सबसे नीचे देखो सर्च लिखा है, सर्च लिखो यहाँ पर विंडोज डिफेंडर, रुको 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 नीचे नीचे विंडोज सिक्योरिटी सेटिंग के ऊपर देखो विंडोज सिक्योरिटी आया नीचे देखो नीचे नीचे विंडोज सिक्योरिटी सेटिंग, हाँ इस पर क्लिक करो, यहाँ पर देखो वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन पे क्लिक करो और यहाँ पर देखो मैनेज सेटिंग करके ऑप्शन दिखा ना नीचे वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग मैनेज, हाँ ठीक है अब तीनों को ऑफ कर दो, नीचे वाला भी ऑफ कर दो, इसके नीचे भी ऑफ कर दो, ये भी हाँ अब ओके कर दो, क्लोज कर दो मतलब, और सेम अभी जो स्टेप किया 7zip से वही अब फिर से करो, इसको इसको भी मिनिमाइज कर दो, हटा दो क्रैक ऊपर, फिर से राइट क्लिक, ओके यस टू ऑल, अब जाओ क्रैक के अंदर ऊपर सबसे ऊपर क्रैक है, क्लिक करके राइट क्लिक, क्लिक करके राइट क्लिक, क्लिक करके राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, अब रुको ध्यान से रुको, ऊपर एरो पर क्लिक करना, कनेक्ट वर्जन पर क्लिक मत करना ठीक है, वो एरो पर क्लिक करो,
अब यहाँ से स्टेट प्रो वी एट आई देखो ऊपर होगा, यही हाँ 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 ओके एक्टिवेट क्लिक कर दो। हाँ देखा कितना पापड़ बेलना पड़ता है। ओके ओके हाँ ओके हो गया एक्टिवेट हो गया सर। हाँ चलो तुम्हारा बहुत टिपिकल केस था। चलो सत्यांशु अपना स्क्रीन शेयर करो, तुरंत इंटरनेट ऑफ कर दो, इसको बंद कर दो तब चलाना सॉफ्टवेयर, इंटरनेट ऑफ करके सॉफ्टवेयर को चलाना ठीक है। ठीक है सत्यांशु अपना सॉरी पीयूष अपना स्क्रीन शेयर कर दो एक बार, सत्यांशु रुके रहो इसका इन सब आरसीडीसी वाला काम खत्म कर देते हैं। पीयूष अपना स्क्रीन शेयर करो। जी सर नहीं कर रहे हो क्या? जल्द थोड़ा जल्दी करना दोस्त, टाइम हो गया मुझे ना दूसरे काम करने में। सर हमने इसमें तो दिखा रहा है कि नहीं ना स्क्रीन शेयर है, स्क्रीन शेयर नहीं दिखा रहा। प्रेजेंट नाउ पर क्लिक करो। नहीं आ रहा है? हाँ अब हो रहा है, अब हो रहा है। ठीक है देख लेते हैं तुम्हारा प्रॉब्लम क्या पता हो जाए। ठीक है अब दिखाओ डाउनलोड करके जो ऑप्शन आया कहाँ पर आया है। सर ये डाउनलोड का ऑप्शन आया है, ये डाउनलोड हो रहा है। अच्छा हो रहा है, ओहो नहीं होगा यार। चलो देखता हूँ क्या है तुम्हारा प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं होगा तुम्हारा प्रॉब्लम गड़बड़ है। ठीक है एनईडीएस का नंबर मुझे भेज देना जब मैं बोलूँगा। ठीक है अभी तो नहीं, जब मैं खाली हुआ तो, आज तो नहीं होगा, कल सैटरडे है, कल खाली हो सकता हूँ तो ट्राई करना पड़ेगा। इसमें बहुत बड़ा केस है ये, हुआ तो ठीक नहीं हुआ तो तुम्हें सिस्टम फॉर्मेट करना पड़ेगा। ये बहुत अलग केस है, तुम खुद ही देख रहे हो ना सबका हो जा रहा है, तुम्हारा नहीं हो रहा है। इसको फॉर्मेट भी करना है? फॉर्मेट कर ही दो, अगर करना चाह रहे हो तो जल्दी से कर दो अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रॉब्लम है इसके अंदर सॉफ्ट लैपटॉप में प्रॉब्लम है। फॉर्मेट कर दो तब उसके बाद करो। हेलो सर। ठीक है हाँ जी हाँ जी बोलो। हाँ सर वो एंटीवायरस अभी ऑन कर सकता क्या? हाँ वो रिस्टार्ट करोगे लैपटॉप अपने आप हो जाएगा, ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिक हो जाएगा। ओके सर। सत्यांशु अपना स्क्रीन शेयर करना। टाइगर तुम इसको कर दो अनइंस्टॉल कर दो। ठीक है इसको अनइंस्टॉल कर दे सर। अनइंस्टॉल मतलब फॉर्मेट करा दो सिस्टम को अच्छा रहेगा, तुम्हारा सारा सॉफ्टवेयर सही चलेगा। सर फॉर्मेट कैसे होगा? दुकान पे जाओगे और कैसे होगा, दुकान पे जाओ उसको उसको बोलो हमारा सिस्टम फॉर्मेट कर दो, पूरा एकदम नया कर देगा तुम्हारा लैपटॉप। सर ये नया ही लैपटॉप है सर, अब क्या नया हो जाए? अच्छा नया लैपटॉप है तो फिर इसके सिस्टम फॉर्मेट करने के मतलब समझते हो, जो तुम्हारा सी ड्राइव में जो चीज़ें हैं वो सब हट जाएंगी, नया से अपलोड कर देगा उसको। ठीक है सर ये सब नया ही है, आप देख लीजिएगा सर एक चलो बार। ठीक है कल हम देख लेंगे एक बार। ठीक है जी चलेगा। सत्यांशु अपना स्क्रीन शेयर करना। सर शेयर कर दिया। ओके हाँ ठीक है, तो स्क्रीन शेयर मोबाइल से किया गया? नहीं नहीं सर लैपटॉप से। तो दिखाओ स्क्रीन, तो दिख ही नहीं रही तुम्हारी। वो एरो पर क्लिक करोगे प्रेजेंट नाउ करके ऑप्शन आएगा योर इंटायर स्क्रीन। हाँ सर नहीं आ रहा अभी लैपटॉप्स, वहाँ पर इंटरनेट स्लो है क्या? नहीं नहीं सर एक मिनट मैं फिर से करता हूँ। हाँ फिर से करो। मैं किया हूँ। नहीं अभी नहीं आया, अभी से तुम्हारी फोटो आ रही है और रेड कलर के बटन से पहले थ्री एरो है, थ्री एरो से। हाँ सर प्रेजेंट नाउ मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो जो शेयर कर रहा हूँ टैब आया होगा उस टैब के ऊपर क्लिक करोगे तभी शेयर होगा योर इंटरनेट। सर वो मैं टैब पे। हाँ ओके ओके सही है, शेयर हो गया सर। हाँ अब हो रहा है, हो गया। चलो अब ध्यान से सेटअप तुम्हारा कहाँ पर रखा हुआ है, मिनिमाइज करो सबको, क्रैक वाला सेटअप कहाँ पर रखा है? ये इसके अंदर जाओ, क्रैक ऊपर रखा है ना, क्रैक के अंदर जाओ। यस सर। क्रैक के अंदर जाओ। इंस्टॉल आ गया। नहीं तो क्रैक ही नहीं है ना तुम्हारे पास, इसका जिप फाइल कहाँ पर है? जिप फाइल जी मतलब सर जो डाउनलोड किए होगे सब मेन सेटअप। हाँ सर जी डाउनलोड किए तो यहाँ पे ये सेटअप ये है। नहीं नहीं डाउनलोड किए पूरा जीप में आया होगा, जो डाउनलोड किए होगे पूरे स्क्रीन करो, फुल स्क्रीन करो सुनो, जब गेट इनटू पीसी से किए होगे डाउनलोड तो एक जीप फाइल में पूरा का पूरा फाइल आया होगा। नहीं सर एक जीप फाइल में नहीं आया, ये फोल्डर बस आया है, ये फोल्डर आया तो इंस्टॉल के लिए बोला मैं इंस्टॉल कर दिया। फोल्डर नहीं आएगा, देखो जैसे देख रहे डाटा आ रहा है डाटा वाला फाइल, ऐसे फाइल आता है क्योंकि उस फाइल के अंदर वो सारा सेटअप रहेगा ना, जैसे डाटा का दिख रहे हो ना ऐसे सेम टू सेम। कौन सा वर्जन है तुम्हारा ये? 2016। ठीक है तो देखो जैसे ये तुम्हारा दिख रहा है ये स्क्रीन पूरा है, ये सेम टू सेम स्क्रीन आता है बट ये जिप फाइल में आएगा जैसे डाटा का आया है, फिर तुमने एक्सट्रैक्ट किया होगा फाइल। हाँ हाँ सर।
ठीक है, वो फाइल चाहिए तो सर हमको। इसमें मैं भी वही खोज रहा था, मेरे को दिख नहीं रहा था, तो तो अभी इसलिए तुम मैं अगर फिर तुम शायद तुमने इंस्टॉल एक तुम क्या करो, अपने रिसाइकल बिन खोलो, रिसाइकल बिन लैपटॉप में खोलो, ओके स्क्रीन सर। डेस्कटॉप पे होगा, रिसाइकल बिन में अगर रखा होगा तो हो जाएगा। नहीं ना, नहीं है, नहीं। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपना एक बार फिर से सेटअप डाउनलोड करना पड़ेगा, और डाउनलोड करने के बाद कल क्लास के बाद जैसे टेस्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद मुझे स्क्रीन शेयर करके दिख देते ना, हम बता देंगे कैसे करते हैं। एक बार सेटअप फिर से तो डाउनलोड सर कर लो। ऑटोकैड या इंस्टॉल मार के, ये डिलीट मार के फिर नहीं से नहीं नया नहीं इंस्टॉल नहीं करें? नहीं 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 सिर्फ सेटअप डाउनलोड करना हाँ है। गेट, अभी तुम जाओ बताता हूँ, गूगल पे जाओ, क्रोम पे, ओके सर, गूगल पे जाओ, वहाँ पर गेट इन टू पी सी डॉट कॉम वेबसाइट पे जाओ, ओके यहाँ पर जाओ, गेट इन टू पी सी डॉट कॉम, गेट GETIINTO पीसी डॉट कॉम। डॉट कॉम पर हाँ, स्पेस मत दो, रुको रुको, गलत लिखे हो, गेट इन टू पी सी साथ साथ रहेगा, आई गेट इन टू आ गया ना, गलत है, वहाँ लिखो GETINTO PC एक साथ डॉट कॉम। हाँ डॉट कॉम, डॉट कॉम, इंटर। हाँ अब यहाँ सर्च बॉक्स में डालो ऑटो कैड 2016, ठीक है, सर्च करो। हाँ ये पहला वाला सेटअप, इस पर क्लिक करो, नीचे आओ और नीचे आओ, ये देखो आ रहा है ना 64 बिट, और पर जाओ, और पर जाओ, ये देखो हाँ सर, ये पहला नहीं, पहला नहीं, नीचे वाला, नीचे वाला 64 बिट है। हाँ यस सर, हाँ इस पर क्लिक करो, यस, अब ये डाउनलोड होगा, देखना अभी 2 मिनट बाद, पर ये डाउनलोड होने में आई थिंक टाइम लेगा जहाँ तक है, होने दो, चलने दो। कितने GB सर? 5.5 GB का है हाँ, इसीलिए बोला ना 5.5 GB का ना, देखो कितना टाइम लग रहा है, सर। 6 घंटे तो ये लग रहा इसके पहले भी मैं जो सर इसके पहले भी मैं जो डाउनलोड किया था वो भी 5 GB का ही था। हाँ, तो वो जो तुमने डाउनलोड किया था उसके अंदर से क्रैक उड़ गया है। अब तुम अपने स्क्रीन पे ही प्लस पॉइंट पे क्लिक, प्लस पे क्लिक करो, एक बिंदार अपने लैपटॉप पे रखो तुम्हारे, उसी में जो खोले थे गूगल क्रोम, हाँ उसी में एक नया विंडो खोलो आगे प्लस करके ऑप्शन में, यस, यहाँ लिखो विंडार 64 बिट, विंडार, हाँ WINRAR, ये तुम्हारे लैपटॉप में नहीं था, इसकी वजह से क्या हुआ तुम्हारा क्रैक उड़ा दिया उसने, हो गया, लेकिन डाउनलोड आ रहा है ना, क्लिक कर दो आ जाएगा, इसी पर क्लिक कर दो, और क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर नीचे ब्लू कलर का नीचे और उसमें उसमें ये नीचे देखो दिख रहा है ना, ये नीचे एरो में आया हुआ है बिंडार, ऊपर और ऊपर जाओ और ऊपर ऊपर ऊपर, ये तो पहली लाइन में, पहली लाइन ये में सर, लिखा ना, नहीं वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, नीचे 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 लिखा लेटेस्ट बिंडार आर वर्जन इंग्लिश, यस यस एग्जैक्टली, हाँ सर, 64 वाला, 64 बिट वाला, तो 64 बिट, ऊपर 64 बिट ऊपर, वाला, हाँ ऊपर, हाँ सर, क्लिक कर दिया, ठीक है, अब चलने दो उसको, आ गया, अब ये डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो रहे दो, डाउनलोड हो रहा है, हाँ सर, ठीक डाउनलोड हो रहा है, 64 बिट जैसे ही डाउनलोड हो रहा डाउनलोड हो है। जाएगा इसके ऊपर डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना। तब तक यहाँ पर नीचे सर्च बॉक्स दिख रहा है, सर्च बॉक्स कहाँ पर? हाँ ये नीचे देखो विंडोज का ऑप्शन जहाँ है, सर्च बॉक्स नीचे वाली पट्टी में, हाँ सर, पहले हाँ पहले यस बिंडार, सर, बिंडार आ गया उसको इंस्टॉल कर लो, डबल क्लिक कर दो इंस्टॉल हो जाएगा, डबल क्लिक, जब आएगा टॉगल ऑल तो ऑल कर देना। अभी तो ये तो मैं तुम्हारा टाइम लेगा डाउनलोड होने में, बस तुमको सारा स्टेप करके दे दे रहा हूँ, अब क्रैक तुम्हारे सामने आएगा, चाहोगे तो यूट्यूब से भी यस कर सर, सकते हो, इंस्टॉल पर क्लिक करो, अब टॉगल ऑल, टॉगल ऑल, टॉगल ऑल, चलो डन कर दो, उसमें टॉगल ऑल, चलो कोई नहीं, ओके करो डन। अब यहाँ नीचे सर्च बॉक्स पे लिखो, नीचे सर्च बॉक्स पे क्लिक करो, जो अभी क्लिक कर रहे थे सर्च बॉक्स, यस सर, यहाँ पर सर्च बॉक्स पे क्लिक करो, यहाँ लिखो विंडोज डिफेंडर, विंडोज क्यों लिखो, विंडोज, विंडोज सिक्योरिटी आया होगा, विंडोज सिक्योरिटी WIN WIN विंडोज सिक्योरिटी का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर ये देखो आ गया है विंडोज सिक्योरिटी, देखो नीचे विंडोज सर, फायर फायर नहीं, वाला नहीं नहीं नीचे देखो, सबसे नीचे देखो विंडोज, विंडोज सबसे नीचे, सबसे नीचे देखो विंडोज सिक्योरिटी आ रहा है, क्लिक करो उस पर, यस सर, अब इसमें हाँ इस पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन पे, यहाँ पर नीचे देखो ये तो मैनेज, बंद हो गया मैनेज, एंटीवायरस,
देखो ऑन है, ये देखो बंद यही हो यही गया उड़ा और दी। अपने से ऑन हो जाता है सर। हाँ ये अपने आप ऑन हो जाएगा, जैसे रिस्टार्ट करोगे फिर से ऑन हो जाएगा। इसीलिए मेरे को मैंने किसी को बोला था कि कट कर दो, अब बस कुछ नहीं कट होगा। कर दिया, हो गया जैसे सर। सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा तुम्हारे पास वो क्रैक का सॉफ्टवेयर आ जाएगा ऑटोमेटिक, अब चाहोगे तो तुम ट्राई कर सकते हो खुद से, नहीं हुआ तो कल कर बताना हम करवा देंगे। ठीक सर है पुराना वाला, सर पुराना वाला इंस्टॉल मारे कि नहीं? अनइंस्टॉल क्यों करना, अब क्रैक कर दो लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा, क्या मतलब है इंस्टॉल करने का। 2016 वर्जन ऑटोकैड ठीक अच्छा वर्जन है, तो कोई जरूरत नहीं है, बस क्रैक करना है तुमको, हो गया। ठीक है चलने दो अभी, वो ठीक क्रैक है सर। तुमको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड डाउनलोड हो कर, जाएगा तो इसमें क्रैक फाइल आ जाएगी। हाँ ऑटोमेटिक आ जाएगी, बस उसको क्रैक कर देना है। ठीक है चलो चलो जी, लगभग लगभग सबका ही प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, बड़ी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आरसीडीसी अपने आप में बहुत खतरनाक चीज़ है। प्लीज़ ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो फिर देखते हैं कि कल सैटरडे है, एक बार मैं 5 मिनट अपना स्पेंड करूंगा, कोशिश करूंगा कि हो जाए, नहीं होता तो फिर फॉर्मेट करना एक ही ऑप्शन है। ठीक है जी सर। चलेगा।